सो हेलो फ्रेंड, फिर से आपको स्वागत करता हूँ पीके इलेक्ट्रॉनिक्स का और एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक TDA 2050 का जो IC बोर्ड होता है, और ये चार IC में बना हुआ है दोस्तों, इसका मैं वायरिंग करूँगा, A to Z वायरिंग करके आपको दिखाऊँगा, और कौन सा तार आपको किस चीज़ के लिए दिया गया है और वो भी बताऊँगा। और दोस्तों, ये जो TDA 2050 का बोर्ड है, ये मैंने ऑनलाइन से परचेस किया था, और इसका पहले का जो अनबॉक्सिंग का वीडियो था वो मैंने बनाया था, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, उसमें भी मैं इसका जो वायर्स है और इसका पिंस है वगैरह सब कुछ मैंने डिटेल्स में बताया, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको इसका स्पीकर कनेक्शन के बारे में बता देती हूँ, ताकि आपको पहले ही समझ आ जाए स्पीकर का कनेक्शन कौन कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो एक सबवूफर जोड़ने के लिए हमें एक अलग से तार दोनों मिल जाएगा, जो कि अलग IC से बना हुआ है, और हमें दो सैटेलाइट या फिर चार सैटेलाइट स्पीकर जोड़ने के लिए इधर पिन मिल जाएगा। दोस्तों, ये 2.1 होम थिएटर किट है, और कई कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको 4.1 होम थिएटर कहकर भी लगा देते हैं कहीं पर। दोस्तों, आप भी वही कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं ये इसको 4.1 बनाऊंगा तो वो भी कर सकते हैं, या फिर 2.1 होम थिएटर में इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, बोर्ड को अगर आप इस तरह से देखोगे ये दोनों हमारा बेस के लिए हो जाएगा, और ये दोनों हमारा सैटेलाइट स्पीकर के लिए हो जाएगा, जो कि हमारा ट्विटर स्पीकर है। दोस्तों, ये बेस का जो दोनों IC है वो सीरीज में कॉन्टेक्ट किया हुआ है इधर से ही, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, अगली वीडियो में मैं बताऊँगा। तो इसका कनेक्शन किधर होगा वो मैं बता देती हूँ। ये जो हमारा दिख रहे हैं, ये हमारा बेस का मेन IC होगा, तो इसमें से आके हमारा इधर दो पिन आपको दिख जाएगा, इधर हमारा दो तार इधर कुछ इस प्रकार से देखिए निकला हुआ है, तो इस तारों में से ही हमारा कनेक्शन होगा। दोस्तों, इधर आप ध्यान दोगे तो वूफर लिखा हुआ है, तो इधर ही हमारा दो स्पीकर के कनेक्शन हो जाता है, और इसका पोटेंशियोमीटर जो बेस का होता है सब वूफर का, वो भी इधर सोल्ड किया हुआ है, तो मैं इसको फिर से आपको सोल्ड करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये पहले से ही सोल्ड किया हुआ आया है, तो इधर बेस कहकर लिखा हुआ है, देखिए उल्टा हो रहा है, इधर बेस करके लिखा हुआ है, जो हमारा सबवूफर के वॉल्यूम कंट्रोल के लिए हो जाएगा। और ये देख सकते हो दोस्तों, पोटेंशियोमीटर तीन तारों का कुछ इस प्रकार का होता है, और ये दोस्तों 47K का एक पोटेंशियोमीटर दिया गया है। 2030 का IC का जो सर्किट बोर्ड होता है, सेम क्वालिटी का बोर्ड मिल जाएगा मार्केट में, अब उसका भी वायरिंग इस बोर्ड पे करोगे तो भी आपको मिलता जुलता नजर आएगा। तो देखिए, इधर आप ध्यान दोगे तो तीन पिन आपको दिख जाएगा, ये देखिए तीन पिन आपको दिख जाएगा, मिडिल का जो पिन होगा दोस्तों वो हमारा ग्राउंड के लिए हो जाएगा, मतलब नेगेटिव वायर्स, और उन दोनों के पास जो दो तार इधर से निकला हुआ है मेरा ब्लैक और येलो वाला, वो उन दोनों हो जाएगा हमारा सैटेलाइट स्पीकर के पॉजिटिव वायर्स। ऑडियो इनपुट होता है दोस्तों, इस बोर्ड में कई सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हमें ऑडियो इनपुट सप्लाई कहाँ पर देना है। दोस्तों, तो ये देखिए, कुछ इधर से चैनल 2 करके इधर लिखा हुआ आएगा आपको, आप देख सकते हैं, और अगर आपके पास जो बोर्ड है उसमें मेंशन नहीं किया गया है तो भी आप टेंशन मत कीजिए, मैं इधर आपको पूरा का पूरा बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं, VC करके नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए VC, और ऊपर चैनल 2 लिखा हुआ है, तो इधर ही हमारा कनेक्शन हो जाएगा। तो आपको नोटिस करना है इसके ऊपर, ये देखिए किस तरह से सोल्डरिंग किया हुआ है, देखिए, और इसका कनेक्शन ये होगा हमारा वॉल्यूम कंट्रोल के लिए, जो कि हमारा पोटेंशियोमीटर है उसमें। तो इसके देखिए,
मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कुछ इस प्रकार से किया हुआ है। इसके बाद आता है हमारा पावर सप्लाई। पावर सप्लाई ये हमारा जो 20% का बोर्ड होता है दोस्तों, ये कई सारे बोर्डों में 12012 का कनेक्शन दिया जाता है, तो इसमें भी कुछ वैसे ही किया गया है। 12012 कनेक्शन 3 एम्पियर से लेकर 5 एम्पियर ट्रांसफार्मर से ये चल जाएगा दोस्तों। इधर रेक्टिफायर ब्रिज बना हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसका जो कनेक्शन होगा वो एसी सप्लाई में देना है। और दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसका कनेक्शन, रेक्टिफायर ब्रिज, इधर 4 डायोड इधर लगा हुआ है और इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये 3 पिन आपको मिल जाएगा इधर नीचे। तो मिडिल का जो पिन होगा दोस्तों वो हमारा ग्राउंड हो जाएगा, और दोनों साइड का 2 12 और 12 कनेक्शन होगा दोस्तों। तो इसका पावर सप्लाई हो चुका है, और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमें एक 78.05 दिया गया है, तो हमें 5 वोल्ट 78.05 वोल्ट इधर से डीसी सप्लाई पे आसानी से मिल जाता है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसका ऑडियो टेस्ट करने के लिए मुझे ज़रूरत है सबवूफर, सैटेलाइट स्पीकर और एक ब्लूटूथ मॉड्यूल की, जो जिसके मदद से मैं इस बोर्ड को चलाऊंगा। तो मेरे पास एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है, तो इसका कनेक्शन मैं कुछ कैसे करता हूँ वो भी आप देख लीजिए। ये हमारा 78.5 से जो निकल कर 5 वोल्ट का जो पिन आया है, तार आया है, उसको कुछ इस प्रकार से इस पर फिट कर दूंगा। ये देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से फिट कर दूंगा। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि लाल वाला तार जो हमारा आ रहा है बोर्ड में, वो सही से पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, क्योंकि दोस्तों मैंने एक बोर्ड में देखा था, ये लाल वाला जो तार है वो सही से नेगेटिव आ रहा था, और ब्लैक काले वाले जो तार आ रहा है इधर नेगेटिव पॉजिटिव के लिए आ रहा था। तो मैं सिंपली इधर चेक कर लूँगा कि नेगेटिव का जो तार है दोस्तों वो सही में हमारा नेगेटिव सप्लाई दे रहा है या फिर पॉजिटिव। दोस्तों इधर देख सकते हैं, ये हमारा इस साइड में नेगेटिव है, मतलब राइट साइड में, तो ये जरूर हमारा ग्राउंड हो चुका है, तो ये नेगेटिव ही, मतलब ये बोर्ड हमारा सही है। तो मैं कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन कर लिया है, और ऑडियो इनपुट का जो हमारा बोर्ड में कनेक्शन जाता है दोस्तों, इसका भी मैं कनेक्शन कुछ इस प्रकार से कर दूंगा। नीचे वाला हमारा एंटीना का पिन है, इधर 4 पिन मुझे दिख रहा है, इधर देख सकते हैं 4 पिन जो दिख रहा है नीचे वाला एंटीना है। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से ही शुरू करूंगा। अगर मैं ऊपर से शुरू करता हूं तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा, ये देखें, कुछ इस प्रकार से हमारा पिन बैठेगा, देख सकते हैं। और ऊपर का पिन हमारा, ये देखें, ये खाली रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन हो चुका है, और अभी मैं स्पीकर का कनेक्शन करूँगा और पावर सप्लाई की। दोस्तों पावर सप्लाई का कनेक्शन करने के लिए हमें, मैंने आपको कहा था 3 एम्पियर से लेकर 5 एम्पियर तक जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा उसका कनेक्शन कर लीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैंने 3 एम्पियर का 12012 का कनेक्शन वाला एक ट्रांसफार्मर ले लिया है, और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा काले वाले तार जो आया है वो हमारा 0 का कनेक्शन होता है दोस्तों। तो मैंने क्या किया, सीधा इसमें 0 का कनेक्शन कुछ इस प्रकार से कर दिया है दोस्तों। तो आपको भी खुद पर डिपेंड होकर कुछ इस प्रकार से कनेक्शन करने कर लेना चाहिए। तो पावर सप्लाई का काम हो चुका है, और अभी हम क्या करेंगे, सैटेलाइट स्पीकर जोड़ेंगे, और उसके बाद एक सबवूफर का कनेक्शन करेंगे। तो मेरे पास सैटेलाइट स्पीकर 2 है, तो दोनों का ही मैं चलाकर आपको दिखाऊंगा। और ये देख सकते हैं हमारा दोनों स्पीकर जो है ये तैयार हो चुका है। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से इस साइड कर लेती हूँ, और अभी बारी है दोस्तों सबवूफर लगाने की। तो मेरे पास एक बड़ा वाला सबवूफर है 18 का, ये देख सकते हैं सैमकॉन कंपनी का, तो इसका भी मैं कनेक्शन कर लूँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा का पूरा कनेक्शन हमारा तैयार है। तो अभी बारी है दोस्तों इस पर पावर सप्लाई देने का। तो सिंपली मैं इस पर पावर सप्लाई दे दूंगा, और ये देखिए दोस्तों, इधर ये देख सकते हैं दोस्तों, ये
ये हमारा ब्लूटूथ जो मॉड्यूल है उस पर कनेक्शन आ चुका है, इधर देख सकते हैं। और अभी मैं इसका जो है मैं मेरे मोबाइल से इसको चलाऊंगा, तो इसको सीधा कनेक्ट कर लेती हूँ। देख सकते हो दोस्तों ये कनेक्ट हो चुका है। देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा स्पीकर चल रहा है। हमारा बेस भी चल रहा है। देख सकते हैं ये हमारा बेस बहुत अच्छे से चल रहा है। ये हमारा सैटेलाइट स्पीकर भी चल रहा है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं पूरा आपको जो TDF-2050 का IC वाला जो सर्किट बोर्ड होता है उसका वायरिंग मैंने सिखाया। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी मिलता है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए ताकि मेरा कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सको। देख सकते हो दोस्तों ये TDF-2050 का एक IC बोर्ड है जो मैंने अभी अभी आपको पूरा का पूरा वायरिंग करके दिखाया। और फिर भी दोस्तों अगर आपके इस वीडियो से या फिर ये जो ऑडियो सर्किट बोर्ड है इसमें से कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे चैनल में, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।